हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्कान ब्यूटी टिप्स। फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाली हूँ घर पे हम कैसे अपने मेकअप ब्रश और ब्यूटी ब्लेंडर कैसे वॉश करें, वो भी बहुत ही आसानी टिप्स के साथ। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। एक छोटा सा बेल दिखेगा, उसे भी प्रेस कर देना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो जो मुझे मेकअप ब्रश और ब्यूटी ब्लेंडर को वॉश करने के लिए सामान चाहिए था, मैंने सारा यहाँ पे रख लिया है। और मुझे यहाँ पे सामान मैंने लिया है एक शैम्पू, आप जो यूज़ करते हैं वही शैम्पू लेना आपको। और एक मैंने यहाँ पे ये डव सोप लिया है, जिससे आप फेस अपना धोते हैं वही साबुन आपको लेना है, नहाने वाला साबुन नहीं लेना है आपको। और एक शैम्पू लिया मैंने, बस और कुछ नहीं लिया। और आपको बिल्कुल गर्म पानी लेना है, मैंने एकदम खोलता हुआ पानी लिया है इसमें। और आप देख सकते हैं ब्यूटी ब्लेंडर की क्या हालत हो रखी है अभी। एकदम ये क्लीन हो जाएगा, देख सकते हैं आप कितना गंदा हो रखा है। तो इसमें मैं क्या करूंगी, जो हमने गर्म पानी कर रखा है एक पूरा शैम्पू, इस तरीके से डाल देना आपको और मेकअप ब्रश से को अच्छे से मिला लेना है। पानी का कलर आप देख सकते हैं। और इसमें मैं सारे जो मेकअप ब्लेंडर है इसमें भिगो दूंगी। आपको इसको कम से कम 5 से 10 मिनट इसी तरीके से छोड़ देना है। और आपको बीच बीच में इसको इस तरीके से ब्यूटी ब्लेंडर को घुमाते रहना है, ताकि ये अच्छे से पानी में अब्सॉर्ब हो जाए, शैम्पू वाला जो पानी है। इस तरीके से आपको कर देना है। तो फ्रेंड्स, मैं भी आपको 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, 10 मिनट हो चुके हैं ये, और मैं इसमें हाथ भी डाल पा रही हूँ पानी में, इतना गर्म नहीं है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, जो हमारा ब्रश है उसे हम इस तरीके से करके और एक बार साबुन पे डिप कर लेंगे इस तरीके से डैप। इस तरीके से करके, और मैंने एक बॉल में नॉर्मल वाटर रख रखा है और मैं इसमें ही रख दूंगी।
आप इस ब्यूटी ब्लेंडर पे टेस्ट कर सकते हैं कि आपका ब्रश साफ हुआ है या नहीं। तो ये मेरा ब्रश बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ हो गया है, ये कलर नहीं छोड़ रहा है कोई सा भी, आप देख सकते हैं। तो ये साफ हो चुका है। आपको बहुत ज़्यादा साबुन लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा डैप करना है आपको, नहीं तो आपका ब्यूटी ब्लेंडर ख़राब भी हो सकता है। आपको हल्का सा डैप करना है। और साबुन आपको फेस का ही लेना है, या फिर आप जॉनसन बेबी का भी ले सकते हैं, बेबी डव या फिर फेस डव भी सोप यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना साफ हो गया ये, कितना गंदा था मैंने आपको दिखाया था। आपको बहुत ज़्यादा रगड़ना भी नहीं है इसको, क्योंकि ये आपका ब्यूटी ब्लेंडर फट सकता है, ख़राब हो सकता है। तो ये सारे मैं धो चुकी हूँ और मैं इसे साफ पानी से धो लूँगी। फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने इसे वॉश कर लिया पानी से अच्छे तरीके से, और ये भी साफ़ हो चुका है। देखो कितने अच्छे तरीके से साफ़ हो गया। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया उसी तरीके से आपको साफ़ करना है। आपको ज़्यादा तेज़ रगड़ना नहीं है, क्योंकि आपका ब्यूटी ब्लेंडर ख़राब हो जाएगा। और बहुत ही आसानी से साफ हो गया। और मैं आपको दिखा दूं जिसमें हमने शैम्पू डाला था और ब्यूटी ब्लेंडर ये ब्रश वगैरह डाला था, आप पानी देख सकते हैं, इसका सारा प्रोडक्ट जो है इस पानी में ही निकल गया है। तो आपको ज़्यादा हाथ से रगड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये टिप पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक बिल्कुल फ्री है, एक छोटा सा बेल दिखेगा उसे भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए देखने के लिए। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।